नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों आज हमारे पास एक एलजी का 24 इंच सीआरटी टीवी आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए, जो कि डेड है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं टीवी को खोल लेता हूं और खोलने के बाद में देखेंगे कि कहां से क्या दिक्कत है, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करिएगा। तो दोस्तों टीवी को मैं खोल लिया हूँ, और टीवी को खोलने के बाद में इसका किट पर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हुआ था, तो सारा डस्ट को मैं साफ़ कर लिया हूँ ताकि काम करने में सुविधा हो और आपको समझने में भी सुविधा हो। और बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, किट को जो है मैं पिक्चर ट्यूब से अलग कर लेता हूँ, इसके बाद में इसको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। तो देखिए किट को मैं खोल लिया हूँ और इसमें मैं लाइन दे के दिखा रहा हूँ। लाइन देने के बाद में इसमें कुछ आवाज़ आता है, ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा। देखिए जैसा कि मैं लाइन दे दिया हूँ, इसमें सुने होंगे लाइन देने के बाद में कुछ आवाज किया इसमें। और टीवी जैसा कि मैं पहले ही बताया कि डेड है, तो अभी लाइन से मैं डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ किट को। यदि आपके पास किसी भी तरह का टीवी डेड कंडीशन में आता है तो सबसे पहले आपको किट का फ्यूज चेक करना है, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें फ्यूज नहीं है, फ्यूज जो है इसका जो यहाँ बॉडी में कसा हुआ है यहाँ पे देखिए इसमें फ्यूज है, तो ये फ्यूज का प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ्यूज जो है इसका खराब रहता तो टीवी में कुछ भी लाइन नहीं आता। अगर आपका टीवी डेड है तो सबसे पहले आपको फ्यूज चेक करना है, इसका ऑन ऑफ स्विच चेक करना है जो कि यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो इस किट में यहाँ पे नहीं, इसका जो है बॉडी में ही इसका ऑन ऑफ स्विच कसा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपका स्विच और फ्यूज दोनों ठीक है तो आपको तीसरा स्टेप में क्या चेक करना है, लाइन देने के बाद में इस कैपेसिटर पे चेक करना है कि 300 से 350 वोल्ट तक इस कैपेसिटर पे मिलना चाहिए। अगर इस कैपेसिटर पे 350 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि जो मेन लाइन हमारा जो है वो यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर होकर के इस पर सप्लाई आ रहा है। अगर इस पर लाइन नहीं आ रहा है 300 वोल्ट, तो आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है खराब हो सकता है, या तो फिर किसी किसी टीवी में चार डायोड होता है इस तरह का लगा हुआ मोटा मोटा 5408 या कुछ भी होता है चार डायोड ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, तो वो डायोड आपका खराब होगा। यदि फ्यूज उड़ा दे रहा है, बार बार जल जा रहा है, तो ये डायोड शॉर्ट भी हो सकता है। तो इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको यहाँ पे 300 वोल्ट मिलना चाहिए। तो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ चेक करके, यहाँ पे डीसी 300 वोल्ट मिलना चाहिए। तो अभी दोबारा से मैं लाइन दे करके इसका सारा वोल्टेज चेक करेंगे कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, और इसका जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट कैसे करना है, कैसे रिपेयर करना है। लेकिन वीडियो को आपको ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों किट में मैं दोबारा से लाइन को दे रहा हूँ, देखिए मैं लाइन को दे दिया हूँ। और अब सबसे पहले तो मैं इसका जो डीसी वोल्टेज है कैपेसिटर पे 350 वोल्ट के लगभग आता है, उसको चेक कर लेते हैं। देखिए 1000 वोल्ट डीसी रेंज में मीटर को सेट करना है। देखिए 335-36 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है वो ओके है, तभी यहाँ तक जो हमारा सप्लाई आ रहा है। तो अब आगे क्या देखना आपको, किसका जो पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज है वो आउट कर रहा है कि नहीं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये SMPS ट्रांसफार्मर के सभी पिन पे वोल्टेज लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ 14 वोल्ट लिखा हुआ है, और यहाँ से 110 वोल्ट आउट होता है जो कि ESTP पे जाता है, प्लस 20 सप्लाई यहाँ से 8 वोल्ट आउट होता है। तो देखिए मीटर का माइनस प्रोड को ग्राउंड में कहीं भी लगा लेना है, तो चलिए मैं यहाँ पे लगा लिया हूँ। और देखिए सबसे पहले तो हम इसका 110 वोल्ट चेक करेंगे, तो 110 वोल्ट चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे माइनस प्रोड को लगाया हूँ यहाँ पे, और देखिए यहाँ से एक जम्फर आया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से एक डायोड लग के यहाँ पे आया हुआ है। तो डायोड के आउटपुट पिन पे जो है हमें 110 वोल्ट चेक करना है, मीटर को 200 वोल्ट डीसी रेंज में रख करके। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो 110 वोल्ट हमारा मिसिंग है, दूसरा में यहाँ पे देखिए 8 वोल्ट है, तो इसको चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ आया हुआ है, और यहाँ से जम्फर लग के यहाँ आया हुआ है, और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है जो कि डायोड के आउटपुट लेग पे यहाँ पे देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ हम 14 वोल्ट को भी चेक कर लेते हैं, देखिए 14 वोल्ट यहाँ आया हुआ है, यहाँ से यहाँ जम्फर लगा हुआ है, और यहाँ से एक डायोड लग के यहाँ डायोड का आउटपुट लेग है, तो यहाँ भी हमें सप्लाई नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका पावर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। लेकिन टीवी में जैसे लाइन देते हैं वैसे कुछ आवाज़ करता है, तो एक बार क्या करते हैं कि हम दोबारा से
लाइन से किट को डिसकनेक्ट करते हैं और इसका जो सप्लाई है उसको चेक करेंगे कि लाइन देते के साथ में सप्लाई हमारा मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए मीटर का एक प्रोड को ग्राउंड पे लगाए हैं और दूसरा प्रोड को डायोड के आउटपुट लेग पे 110 वोल्ट यहाँ पे मिलता है, देख सकते हैं। और अब जो है इसी तरह में लाइन देना है, देखना है कि हमारा सप्लाई यहाँ कुछ मिल रहा है कि नहीं लाइन देते के साथ। देखिए 126 वोल्ट आया और दोबारा से इसका सप्लाई ड्रॉप हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसका पावर सप्लाई तो ओके है लेकिन कहीं ना कहीं से शॉर्टिंग है। लेकिन ये पूर्णतः कहना गलत होगा कि इसका पावर सप्लाई सही है या खराब है। तो इसके लिए आपको इसका जो सप्लाई है वो बारी बारी से कट करना है, देखना है कि कहाँ से जो है ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आपका वर्टिकल आईसी से भी हो सकता है और भी साउंड आईसी से भी हो सकता है, कहीं से भी कोई सप्लाई अगर शॉर्ट रहेगा तो आपका पावर सप्लाई जो है बैठा देगा, नहीं बनने देगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपके पास किसी किट में आता है तो लाइन को डिसकनेक्ट करने के बाद में इसका फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेना है 100 वाट या 25 वाट का बल्ब से, क्योंकि पावर सप्लाई खराब होने के बाद इसका जो फिल्टर कैपेसिटर है वो चार्ज होता है लाइन को डिसकनेक्ट करने के बाद भी। तो उस तरह से यदि आप छुएंगे बिना डिस्चार्ज किए तो आपको शॉक भी लग सकता है, करंट लग सकता है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसमें जो सप्लाई ड्रॉप हो रहा है वो कहाँ से ड्रॉप हो रहा है ये जानने के लिए इसका कुछ सप्लाई को डिसकनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ से हमारा जो सप्लाई है वो ड्रॉप हो रहा है। जैसे कि वर्टिकल आईसी पे जो हमारा ESD से सप्लाई जाता है +14 वोल्ट और -14 वोल्ट, उसको डिसकनेक्ट करना है। जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर पे 110 वोल्ट जाता है उसको डिसकनेक्ट करना है बारी बारी से और देखना है कि कहाँ से हमारा सप्लाई ड्रॉप हो रहा है। तो जैसा कि देखिए ESD के ये दोनों पिन से जो हमारा 14 वोल्ट और -14 वोल्ट आउट हो रहा है, तो ये दोनों पिन को ट्रेस करेंगे कि कहाँ पे आया हुआ है। देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस लग के यहाँ आया हुआ है और इस वाले पिन से यहाँ से एक रेजिस्टेंस लग के यहाँ आया हुआ है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में दोबारा से जो है वोल्टेज को चेक करना है। जैसा कि मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, एक ये वाला रेजिस्टेंस और एक ये वाला रेजिस्टेंस देखिए यहाँ से आउट हुआ है। तो चलिए हम दोनों रेजिस्टेंस को डिसकनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। देखिए मैं लाइन दे रहा हूं अभी, देखिए अभी भी हमारा सप्लाई बना और ड्रॉप हो गया। तो इसका मतलब यह है कि और कहीं से प्रॉब्लम है। तो दूसरा स्टेप में क्या करना है कि ये जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर है इस ट्रांजिस्टर को ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद में हम जो है दोबारा से चेक करेंगे। तो चलिए इसको हम ओपन कर देते हैं, आप चाहे तो खोल सकते हैं नहीं तो यहीं से जो डायरेक्ट इसका पिन को डिसोल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर को मैं ओपन नहीं किया हूँ, सिर्फ इसका लेग को जो है डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ, जो कि देख सकते हैं ये हीट सिंक में कसा हुआ है। इसको कहते हैं कि हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है, देखिए TT2140 जो है इसका नंबर है। और अभी जो है मैं इसमें दोबारा से लाइन दे करके जो है इसका वोल्टेज को चेक करने वाला हूँ। देखिए अभी मैं दोबारा लाइन दे रहा हूँ, देखिए अभी जो है 119 वोल्ट जो मिल रहा है और प्रॉपर मिल रहा है, ड्रॉप नहीं कर रहा है।
इसका मतलब ये है कि ये हमारा इधर से शॉर्टिंग है ईएसटी सेक्शन से, इसका जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन है इससे प्रॉब्लम है, 120 वोल्ट मिल रहा है। हो सकता है इसका हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो, या इसका जो ईएसटी है ये भी खराब हो सकता है। तो चलिए एक बार इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए मीटर को बीप रेंज में सेट करना है, और बीप रेंज में सेट करने के बाद में देखिए इसका जो ये दोनों लेग है किनारे किनारे, ये आपस में शॉर्ट बताना चाहिए दोनों साइड से। तो देखिए दोनों साइड से शॉर्ट बता रहा है। अब इसमें जो है चेक करेंगे, इसमें और इसमें एक तरफ से कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, एक तरफ से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, डायोड के तरह जो है काम करेगा। देखिए इधर से कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा और इधर से कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, ये मिल रहा है। अब इसमें भी जो है इसी तरह से एक साइड से बताएगा, एक साइड से नहीं बताएगा। देखिए इधर से बता रहा है, इधर से नहीं बताना चाहिए, देखिए इधर से नहीं बता रहा है। तो ये हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है सही है। तो आगे हम क्या देखेंगे, ये ईएसटी को चेंज करके देखेंगे। इसी पे हमारा डॉट है, और डॉट ही नहीं है, ये 90% चांस है कि ये हमारा ईएसटी का प्रॉब्लम है। तो चलिए ये ईएसटी को भी हम बदल के देख लेते हैं। दोस्तों देखिए ईएसटी को मैं खोल लिया हूँ, और यहाँ पर जो इसका नंबर होता है वो इसमें नहीं था, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से एक स्टिकर कबड़ा हुआ है, और इसके नीचे जो है कुछ नंबर है N0107। तो ये ईएसटी का नंबर नहीं है, ये कुछ दूसरा नंबर है। इसका जो ईएसटी का नंबर होता है वो यहाँ पे एक बड़ा सा स्टिकर रहता है उस पर होता है, तो ये नंबर मिटा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम इसमें कौन सा ईएसटी लगाएंगे, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो देख लें। उसमें मैं बारीकी से बताया हूँ कि किसी भी ईएसटी का नंबर अगर मिट गया हो तो उसके जगह पे कौन सा ईएसटी लगाना है, कैसे जानना है कि इस किट में जो है कौन सा नंबर का ईएसटी लगेगा। तो इस हिसाब से मैं एक मार्केट से ईएसटी लाया हूँ, जो कि देख सकते हैं इसका नंबर जो है वो 6006E है, देख सकते हैं ये नंबर है इसका 6006E। तो ये ईएसटी मैं लगा लेता हूँ, इसके बाद दिखाता हूँ कि ईएसटी लगाने के बाद जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए मैं इसमें ईएसटी लगा लिया हूँ, देख सकते हैं ये नया ईएसटी है, और इसमें जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर का लेग ओपन किए थे इसको भी जो है दोबारा से रिसोल्व कर दिया हूँ, और यहाँ से जो वर्टिकल आईसी का जो सप्लाई है उसको भी ओपन किया था, इसको भी जो है मैं रिसोल्व कर दिया हूँ। अब जो है किट में मैं लाइन दे करके दिखाता हूँ कि अभी जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। देखिए मैं लाइन दे रहा हूँ, देखिए मैं लाइन दे दिया हूँ, और देखिए अभी जो है 111 वोल्ट बन रहा है और हमारा ईएसटी भी बन रहा है। अब जो है इसको पिक्चर ट्यूब में लगाने से पहले इसका हीटर सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए हीटर सप्लाई जो है ये बेस बोर्ड में चेक करना होता है, मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हीटर सप्लाई आपको चेक करने के लिए मीटर को 200 वोल्ट एसी रेंज में सेट करना है, और एक रोड को ग्राउंड में रखना है। और देखिए यहाँ पे इसका इधर से गिनेंगे तो दूसरा नंबर पिन, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पिन पे हमारा 2.7 वोल्ट मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए इधर से गिनेंगे तो दूसरा नंबर पिन पे जो है 2.7 वोल्ट मिल रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा किट बिल्कुल ओके हो गया है, और बाकी का भी सप्लाई मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ किट में। देखिए मीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज में सेट करेंगे, और देखिए यहाँ पे देखिए 9 वोल्ट मिल रहा है, और ये वाला सप्लाई 14 वोल्ट वाला यहाँ आया हुआ है जम्फर से, और इधर से यहाँ पे मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे 11 वोल्ट मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सप्लाई ओके है। तो दोस्तों अभी मैं किट को पिक्चर ट्यूब में लगा के दिखा देता हूँ कि टीवी हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए किट को मैं टीवी में फीडिंग कर लिया हूँ, देख सकते हैं वही किट है, ऐसा नहीं कि मैं दूसरा किट दिखा रहा हूँ, और टीवी में मैं लाइन दे दिया हूँ। देखिए हमारा टीवी जो है ऑन हो चुका है, देखिए थोड़ा सा लाइट कम है तो इसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, तो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।